अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं हो चुकी हूँ नहा धो के एकदम रेडी एज यू कैन सी। सो मैं अभी निकल रही हूँ नंदी हिल्स के लिए जो कि बेंगलोर से 40-45 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। सो आज हम लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी जाने वाले हैं, उन लोग की कैब अब आने वाली है और हम लोग जाएंगे बाइक से, मैं और रुद्र। रुद्र मेरे हस्बैंड का नाम है, माय हस्बैंड, और हम लोग दोनों बाइक से जा रहे हैं। बाइक से वहाँ का जाने का मज़ा कुछ और है। सो चलिए दिखाएंगे आप लोग को भी कैसा है वहाँ का व्यू। वहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत है ऐसा सुनने में आया है। अभी तक मैं गई नहीं हूँ, बैंगलोर रहते हुए मुझे 2 साल हो गया है लेकिन अभी तक मैं वहाँ गई नहीं हूँ, काफ़ी लोगों से सिर्फ सुन रही हूँ। सो फाइनली आज वो डे आ गया है जहाँ हम लोग का प्लान हो गया है जाने का। चलिए फिर चलते हैं, कैब हमारी आ रही है। कैब आ चुकी है और बच्चे भी बिल्कुल रेडी है, काफ़ी एक्साइटेड दिख रहा है। से हाय अलीशा। हाय, गुड मॉर्निंग। एंड हियर इज सिया, हर नेम इज सिया। से हाय सिया। हाय, गुड मॉर्निंग। जाने के लिए रेडी है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा बॉडी में आते आते, और थोड़ा सा चाय कॉफ़ी भी पी लिया जाए क्योंकि ठंड है। तो रास्ते में हम लोग रुके हैं थोड़ी देर के लिए चाय और कॉफ़ी पीने के लिए। इधर देखिए पीछे, और ये है छोटा सा एक होटल है रास्ते में। तो कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड। फीलिंग गुड, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, फीलिंग गुड। बाइक से तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है, फोर व्हीलर से और कार से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है, इसकी वजह से हम लोग बाइक से ही प्रीफर करते हैं हर जगह जाना। ये आ गया हमारा गर्मा गर्म कॉफ़ी, स्टील के ग्लास में कॉफ़ी दिए। छोटा सा एक होटल है रास्ते में। तो कैसा लग रहा है? फीलिंग गुड। फीलिंग गुड, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, फीलिंग गुड। बाइक से तो और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है, फोर व्हीलर से और कार से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है, इसकी वजह से हम लोग बाइक से ही प्रीफर करते हैं हर जगह जाना। बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ये आ गया हमारा गर्मा गर्म कॉफी, स्टील के ग्लास में कॉफी दिए। स्टील के ग्लास में कॉफी कोई कैसे पी सकता है? वो भी ग्लास भी ऐसा है कि कट जाएगा यहाँ से। तुम तो पियोगी? लीजिए। काफ़ी थक गई हूँ अभी, 20 किलोमीटर से 30 किलोमीटर रूम घर से आई हूँ अभी तक, अभी 30-40 किलोमीटर और है पहुँचने में। Oh,
लेंगे। शौचालय के लिए देखिए कितना सब लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप। एंड सी इज माई फ्रेंड, ओके मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कार लगी हुई है यहाँ पे, मेरी अलीशा को भुक्कू भुक्कू लग गया, तो अलीशा बिस्किट खा रही है। क्या खा रही हो बेबी, क्या खा रही हो अलीशा, टेल मी। बिस्किट। सो प्रथम कैसा लगा के, टेल मी। नो सिया, मजा आया आके आपको? कैसा लगा के? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? नो शी इज नॉट सेइंग एनीथिंग। ओके ओके, हाय। यहाँ पे खाने पीने की चीजें भी अवेलेबल है, मक्का है, मैगी है, कॉफी है, अंडा है, ब्रेड है, आइसक्रीम है, और सनराइज ऑलमोस्ट होने ही वाली है। अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। हम लोगों ने अपने घर से निकला था 4:50 में। अरे तो पाउट बना लो, यहाँ आते आते 2 घंटे का सफर हो गया है, और बहुत ही ज्यादा मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने, बाइक से आने से कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। तो अभी ऊपर चलते हैं, फिर वहाँ का व्यूज दिखाते हैं, यहाँ से वो दिख रहा है आप लोगों को, उधर जाना है हम लोगों को। यहाँ पे पार्किंग के लिए बनाया हुआ है, ना ऊपर चाय पे है ना, इसके वजह से। सबसे पहले हम लोग नंदी हिल्स में विजिट किए हैं, टेंपल्स भी खा रहे साथ में, और ये यहाँ पे सीटिंग ये सब का बनाया हुआ है। छोटा सा टेम्पल है, काफी पुराना टाइप से मुझे ये लग रहा है। और यहाँ का ये मौसम क्लाइमेट ऐसा दिख रहा है जैसे कि नवंबर दिसंबर में हम लोग के बिहार में जैसे पड़ता है काफी विंटर में, वैसे ही इधर का हो रही है। सो यही है यहाँ का मेन व्यू पॉइंट्स जिसके लिए लोग आते हैं, नंदी हिल्स मोस्ट फेमस यही है, यहाँ पे ही, यहाँ के लिए ही लोग आते हैं क्योंकि यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। यहीं से व्यूज़ लोग देखते हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग कितने पढ़ते नहीं कोई।
मंकीज भी है। यो ओ कितना स्लोली स्लोली चल रहा है मेरा बच्चा, कितना ये जो पेड़ का है ना, कितना खूबसूरत व्यूज है यहाँ पे। हम लेते हैं एक बीच में खड़ा। सो फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए ऊपर में, क्योंकि बहुत तेज से धूप लगा हुआ है, हम बहुत सारे लोग हैं। सो मिलते हैं आपको खाना लेने के बाद। मैगी बन रहा है उतना बड़ा टप में, मैगी, डोसा, पूरी, छोला भटूरा, पराठा, ये सब मेन्यू में है। मैं लेके कब से खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ कब आएंगे। भैया भैया अनिशु कोई यहाँ पर खड़ा होगा यार, एक यहाँ पर खड़ा होगा। छोला हमने मंगवाया है, टुकड़े टुकड़े दो मसाला वाली थी, इडली ले दो भैया, इडली ले देना सर, क्या मसाला दो मसाला पूरी क्या मैं आपको। ये है हमारा आज का लंच, पूरी सब्जी और चटनी। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। नॉट गुड नॉट बैड। सो विद दिस वी एंड दिस ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल व्हिच इज सहारा सिंह राजपूत। ओके टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग वीडियोस।